हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी मैंगो केक। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप सूजी। आप सूजी के लिए कोई भी, मतलब नापने के लिए कोई भी कप ले सकते हैं। अपने घर में कोई 1 कप सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से सारा मेजरमेंट लिख कीजिएगा। ये मैंने 2 कप सूजी ली है। इसको सूजी को हम पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये थोड़ा बिल्कुल बारीक फॉर्म में हो जाए। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गई है। इसको हमने बारीक इसलिए करना है क्योंकि हमने इसमें मैदा वगैरह कुछ नहीं लेना है, तो ये हमें बारीक ही करनी है। अब हम इसमें मैंगो का पल्प बना लेंगे। ये मैंने 2 आम लिए हैं मीडियम साइज के, तो इसको हम छिलका उतार के इसका पहले पल्प बना लेंगे। आज हम कुकर में बनाएंगे केक, तो मैंने कुकर गैस पर रख दिया है और इसमें मैं नीचे थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। आप नमक डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी बन जाता है। वैसे मेरे पास नमक मैंने डाल दिया, इसलिए नमक से अच्छी तरह से जो बॉटम होती है वो अच्छे से गर्म हो जाती है और इसमें ज़्यादा देर तक हीट रहती है। इसमें स्टैंड लगा दूंगी मैं और इसको मैं ढककर प्री हीट करूँगी। इतने हमारा बैटर तैयार होगा। इसको हम ढक्कन लगाते हैं तो विसल हटा के इसको बस प्री हीट होने छोड़ देते हैं। बिसल नहीं लगाना है हमको। इससे हम मैंगो का पल्प तैयार करके, इसके लिए मैं और जो सामान की ज़रूरत है वो है 1/2 कप रिफाइंड है, ये 1 कप चीनी है, 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है और मैंने ये 1.5 कप के आसपास दूध लिया है। दूध हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी हो सकता है। रूम टेम्परेचर पर लेना है इसको हमको। इसमें मैंगो के साथ हम चीनी को भी साथ साथ पीस लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ पल्प बन गया इसका। इसको हम पहले सूजी को छान लेंगे। इसमें सूजी में ही ये जो हमने बेकिंग पाउडर लिया है और बेकिंग सोडा लिया है, दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, जिससे इसके साथ ही छन जाए और मिक्स हो जाए एक साथ। ये देखिए इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। अभी हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल हम जब भी लेंगे तो उसको ऑर्डर फ्री लेना है, उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे सूजी में कोटिंग हो जाए इसकी। इसमें हम ये पल्प पूरा ऐड कर लेंगे। इसको पल्प को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है। सूजी थोड़ी फूलती भी है इसलिए हम इसको थोड़ा सा पतला बैटर इसका तैयार करेंगे। इसलिए अब हमने इसमें दूध डाल देंगे थोड़ा सा। पहले इसमें थोड़ा सा ही दूध ऐड करूंगी। ये मैंने थोड़ा दूध और ऐड कर लिया है। अभी मैं बताऊंगी कि कितनी कैसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए अभी ऐसा बैटर तैयार करके अभी मैंने इसको, ये देखिए इस तरीके से इस ये कंसिस्टेंसी है इसकी। इसको हम थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स के लिए लगभग हम इसको रेस्ट दे देंगे, क्योंकि जिससे सूजी फूल जाए। ये देखिए ये अब मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ा था। ये अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। इसमें लगभग 1.25 कप दूध ऐड हो गया है। अभी बिल्कुल ओके हो गया है। अब हम इसको
ये मैंने थोड़ी सी चेरीज ली है, ये ऑप्शनल है ये सब चीज़ें, और इसको हमने पहले डस्ट करना है, तो थोड़ी सी मैं अलग कर लूँगी ऊपर उसमें गार्निश करने के लिए। इसको डस्ट इसलिए करते हैं जिससे ये चेरीज जो हैं वो नीचे बैठ ना जाएं। ये देखिए अच्छे से डस्ट करके इसको, और फिर इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है चेरीज। अब हम इसको केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको मैंने ऑयलिंग करके और इसको डस्ट करके पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। अब इस पे मैं ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए इसने ट्रांसफर कर लिया हमने। इसको हम टैप कर लेंगे जिससे इसके एयर बबल्स निकल जाए। अब इसको हम गार्निश कर देंगे। ये जो मैंने टूटी फ्रूटी थोड़ी सी रोकी थी ये हम डाल देंगे। ये थोड़े से मैंने पिस्ता लिए हुए हैं कटे हुए। और ये थोड़े से मैंने काजू लिए हैं चॉप किए हुए। आप इसमें जो भी आपका मन हो, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें गार्निश कर सकते हैं। अब मैंने जो कुकर रखा हुआ है गैस पे वो अब मेरा प्रीहीट हो चुका है, तो ये देखिए इसका ढक्कन भी गर्म हो गया अच्छी तरीके से। इसमें हम धीरे से रख देंगे क्योंकि कुकर बहुत तेज गर्म है, और हम इसको थोड़ी देर हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसको हम ढक्कन बंद कर देंगे। इसको लगभग 40 मिनट तक हमको पकाना है, लेकिन अभी पहले हमने इसको फुल फ्लेम पे रखा है। 15 मिनट इसको फुल फ्लेम पे रखकर और उसके बाद हम इसको गैस को सिम कर देंगे। आइए अब इसको देखते हैं हम केक को कि ये हो गया है क्या। 40 मिनट हो गए हैं, मैंने खोला है। ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, आप देखते हैं इसको चेक करके। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए गैस बंद करके, फ्लेम को ऑफ करके और इसमें ही छोड़ दूंगी जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें जब डीमोल्ड करना है तो ठंडा करके ही करते हैं हम। थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे इसमें जितनी स्टीम है उससे भी वो थोड़ा बहुत जो अगर रह गया हो तो पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको कुकर में छोड़े हुए भी 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, स्पंज भी ओके है इसका। अब मैं इसको आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। इसके जो किनारे होते हैं उनको, उसको पहले हम नाइफ से हटा लेते हैं जिससे हमारा केक इजीली निकल आए बाहर। देखिए इसको, प्लेट को हम इसको उल्टा करके रख दिया मैंने। ये देखिए एकदम परफेक्ट निकला है। इसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।